उत्तराखंड के सीमांत शहर जोशीमठ में भू धसाव के बाद राज्य और केंद्र सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। जोशीमठ में रहने वाले लोगों के विस्थापन के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे जान माल को नुकसान होने से बचाया जा सके। गुरुवार को हरिद्वार पहुंचे शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को विस्थापित करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके लिए 45 करोड़ वित्त विभाग की तरफ से दिए जाएंगे, जिससे इस समस्या को दूर किया जा सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्री अग्रवाल ने बताया कि वहां रहने वाले लोगों के लिए राहत राशि बढ़ाई जा रही है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। जोशीमठ में जो आपदा आई है, हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, पूरी गंभीरता से बहुत तत्परता के साथ उस पर कार्रवाई चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां वो आपदा है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सरकार लगातार कदम उठा रही है। उनका जो राहत राशि है उसे बढ़ाने का काम किया है, जो वहाँ सर्वे हो रहा है उसमें, और उसके अलावा जितने अन्य लोग हैं जो प्रभावित लोग हैं उनको पुनर्वासित करने का काम कर रहा है। और 45 करोड़ रुपया वित्त विभाग की तरफ से उसमें जो हमारे यहाँ राशि है उसको भी मुक्त में किया गया है, ताकि वहाँ के लोगों को अच्छे से अच्छा उनकी जो समस्याएं हैं उसको राहत के रूप में ये सरकार दे सके।